राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दिल्ली जल संकट को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली की आप सरकार को पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया को न रोकने को लेकर फटकार लगाई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि जल संकट गहराते जा रहा है, आपने अब तक टैंकर माफिया को लेकर क्या एक्शन लिया है? अगर आप एक्शन नहीं ले सकते तो हम दिल्ली पुलिस से कहेंगे कि वो कार्रवाई करे। जस्टिस पीके मिश्रा और पीबी वराले की बेंच ने दिल्ली सरकार से पूछा कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं, इसका जवाब आज या कल में दीजिए। मामले की सुनवाई 13 जून को होगी। दरअसल दिल्ली सरकार ने जल संकट पर 31 मई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को दिल्ली को एक महीने तक एक्स्ट्रा पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी। हिमाचल प्रदेश एक्स्ट्रा पानी देने के लिए तैयार था। कोर्ट ने हिमाचल को 137 क्यूएस के पानी छोड़ने का आदेश 6 जून को दिया था। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा कि यह पानी दिल्ली तक अभी तक नहीं पहुंचा है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।